press the bell icon only on YouTube and never miss any update from Bollywood Aajkal. Bollywood Aajkal, old and bold Bollywood. पहले के मुकाबले आज का बॉलीवुड काफी बोल्ड और बिंदास माना जाता है। आज की एक्ट्रेसेस ऑन स्क्रीन किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखती हैं। खासकर जब से OTT प्लेटफॉर्म्स ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है, तब से सेंसर बोर्ड केवल मजाक ही नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि बॉलीवुड में दिखने के लिए दिखाने की फितरत कोई नई चीज नहीं है। 80 और 90 के दशक में भी कई अभिनेत्रियों ने सब कुछ ताक पर रख कर पर्दे पर न्यूड सीन देकर हंगामा मचा दिया था। आइए जानते हैं बीते जमाने की उन एक्ट्रेसेस के बारे में। स्मिता पाटिल अपने दौर में एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी। उन्होंने कई कला फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाया, लेकिन कमर्शियल फिल्मों का मोह नहीं छोड़ पाई। उन्होंने मंडी और अर्धसत्य जैसी फिल्मों में बोल्ड रुख अपनाया, जो कि कसूर फिल्म में पूरे शबाब पर दिखा। इस फिल्म में भीगी साड़ी में उनके झांकते यौवन ने उनके फैंस को स्तब्ध कर दिया था। इस सीन की काफी आलोचना हुई, लेकिन स्मिता पाटिल ने इसकी कोई परवाह ही नहीं की और इसी सीन को फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन के साथ भी दोहरा दिया। ये अलग बात है कि इस सीन का अफसोस उन्हें हमेशा होता रहा। 90 के दशक में रीमा लागू ने सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्मी माँ का रोल बखूबी निभाया और खूब सम्मान हासिल किया। लेकिन अपने सुनहरे दौर में रीमा लागू ने नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म रिहाई में जबरदस्त बोल्ड सीन दिए। इसमें से तो कई सीन इतने बोल्ड थे कि सेंसर बोर्ड ने इन पर जमकर कैची चलाई। माँ के किरदारों के लिए ही जानी जाने वाली रोहिणी हटंगड़ी ने साल 1984 में फिल्म पार्टी में टॉपलेस सीन देकर हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म में उनके साथ नसीरुद्दीन शाह ही थे। ये सीन अपने दौर में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल साबित हुआ था। कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में सास और ननद के किरदार में नजर आ चुकी हिमानी शिवपुरी ने फिल्म प्रेम ग्रंथ में अपने क्लीवेज और नंगी पीठ का वो नजारा दिखाया कि दर्शक दंग रह गए। इन दिनों सुर्खियों में रही फिल्म कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी भी अपने जमाने में काफी हंगामा मचा चुकी है। साल 1988 में आई फिल्म त्रिशाग्नि में उन्होंने नाना पाटेकर के साथ न्यूड बाथ सीन देकर हंगामा मचा दिया। हालांकि बाद में ये कहा जाने लगा कि यह सीन उनके बॉडी डबल पर फिल्माया गया था। खैर, आज की एक्ट्रेसेस को कोई बॉडी डबल करने की जरूरत नहीं रही, इसलिए दर्शकों को अब ऐसे सीन्स रूटीन टाइम ही लगने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी 80 और 90 के दशक की वो अभिनेत्रियां जिन्होंने सब कुछ ताक पे रखकर पर्दे पर न्यूड सीन और बोल्ड सीन देकर हंगामा मचा दिया था। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और हमारे चैनल को देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आप हमारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ओनली ऑन YouTube एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम बॉलीवुड आजकल। बॉलीवुड आजकल, ओल्ड एंड बोल्ड बॉलीवुड।